तो दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज लोग दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल का। तो आज हम लोग फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसलिए तो बोले थे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो, ये देखो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कह लेते हैं। और सबस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, मतलब एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरे गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बोलता है कि एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूशन। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक क्या है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब हो गया लव। तो जिस तरह लड़का को लड़की से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन को लव होता है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल पहचाने का ट्रिक था हमारा लव, प्यार और धोखा। यहाँ पर लव हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफाइल। पी से था प्यार, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते थे। धोखा का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है कि लेविस बेस, लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। अब बेंजीन में रेजोनेंस होता है, एक पाई दो पाई और ये तीन पाई, और यहाँ पर सीधा जुड़ा हुआ है हमारा अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर ये हो गया मेरा दूसरा लोन पेयर। अब देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दी, जैसे बेंजीन के रिंग में गया ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन को देखो, दो बॉन्ड, दो चार बॉन्ड और ये हो गया पांच बॉन्ड। इस कार्बन के पास पांच बॉन्ड हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल। ये कार्बन क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को उठाकर फेंक देता है, मतलब शिफ्ट कर देता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक चेन था तो यहाँ पर साइक्लिक चेन बना दी, ये हो गया मेरा साइक्लिक चेन। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड लिख दिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड लिख दिए। ओके, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और OH था तो सिंगल बॉन्ड OH लिख दिए। एरो का टेल ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब देखो एरो का हेड इस कार्बन के पास था, हेड या माइनस, एरो का टेल प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल। एरो का हेड इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास किया, जैसे दो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां बन गया डबल बॉन्ड, तो दो और दो एक चार और एक पांच बॉन्ड, तो ये भी कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो यहां से फिर से पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ये पाई बॉन्ड उठकर आ गया। अब इसका मामला क्या होता है, साइक्लिक चेन था तो यहां पर साइक्लिक चेन बना दी, ये बन गया मेरा साइक्लिक चेन। यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH था तो सिंगल बॉन्ड OH और प्लस, तभी तो कोई छेड़छाड़ नहीं। अब छेड़छाड़ होने जा रहा, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो बन गया डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे एरो का टेल गया, यहाँ गया प्लस और माइनस, क्या हो गया, न्यूट्रल। एरो का हेड इस कार्बन के पास आया माइनस, यहाँ पे टेल आया तो प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल। एरो का हेड इस कार्बन के पास किया, इस कार्बन के मुंडी पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ गया दो इलेक्ट्रॉन। फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो चार बॉन्ड, और ये हो गया मेरा पांच बॉन्ड। तो ये इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन गया, पांच बॉन्ड, लेकिन होता कितना है, चार बॉन्ड।
तो ये क्या हो गया अनस्टेबल, ये कार्बन क्या करता है पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। तो ये हो गया मेरा डबल हेडेड आरो इन बोथ डायरेक्शंस, जो क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो साइक्लिक चेन था तो यहां पर बना दिए साइक्लिक चेन, यहां पर पाई बॉन्ड था तो यहां पर बना दिए पाई बॉन्ड। अब दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो बन गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक, एरो का टेल गया तो प्लस आर प्लस माइनस न्यूट्रल। एरो का हेडिस कार्बन क्या पास है माइनस, एरो का टेल यहां तो माइनस प्लस क्या हो गया न्यूट्रल, यहां पर न्यूट्रल आ गया। हेड के यहां पर तो यहां पर क्या डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज। यहां पर सिंगल बॉन्ड और OH प्लस था तो सिंगल बॉन्ड और OH प्लस दे दिए, एक नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया था तो क्या बनाया था पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या बनाया था पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां पर दिखा दिए पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर दिखा दिए पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पर भी क्या दिखा दिए पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास किया था, यहां पर दो बॉन्ड दो चार बॉन्ड और देखो ना एक पांच बॉन्ड। अच्छा देखो ये कार्बन यहाँ पर इस कार्बन देखो दो बॉन्ड दो चार बॉन्ड और एक नीचे पांच बॉन्ड, पांच बॉन्ड में दस इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन, हो गया दस इलेक्ट्रॉन। ये अस्टेबल हो गया ये कार्बन, ये पाई बॉन्ड फिर क्या कर जाता है शिफ्ट कर जाता है। अब देखो मामला साइक्लिक चेन था तो यहां पर बना दिए साइक्लिक चेन, यहां पर पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड दे दिए, यहां पर पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड दे दिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया तो यहां बन गया मेरा डबल बॉन्ड। अब एरो का टेल है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल। एरो का हेड इस कार्बन के पास किया तो माइनस, एरो का टेल है तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया न्यूट्रल। अब देखो यहाँ प्लस है हेड आए माइनस प्लस क्या हो गया न्यूट्रल, यहाँ बच गया छूछे OH, यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड और OH, देखो ना सिंगल बॉन्ड और OH ही बचा है। अब देखो पाई बॉन्ड अभी क्लॉकवाइज में था, अब पाई बॉन्ड क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था वो हमारा बन गया। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाना उसको क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देते तब वो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता, उसी को क्या बोलते थे रियल स्ट्रक्चर। ये पांचों हमारा कैसा स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना क्या कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कौन से निकालते हैं डबल हेडेड एरो से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, दूसरा नाम क्या होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, तीसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तीसरा नाम क्या हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहां पर देख रहे हैं कि एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो कितना स्ट्रक्चर बन रहा है पांच, यहां पर लिखेंगे फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन फिनॉल। तो फिनॉल में उपस्थित है पांच तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर टू लिखने जा रहे हैं, देखो यहां पे फिनॉल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो अब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाता हो, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ाता हो क्या बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो ना बेंजीन का रिंग था दो इलेक्ट्रॉन दिया तो कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा, मान लो बेंजीन के रिंग पास 50 रुपया है बाहर से 20 रुपया दिया तो बेंजीन के पास कितना हो गया 70 रुपया। तो बेंजीन के पास मान लो दू मान लो कि अभी 10 इलेक्ट्रॉन है बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और आते हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो बोल सकते हैं कि बेंजीन का रिंग का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है तो बेंजीन हमारा क्या कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो फिनॉल हमारा क्या एक तरह का एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज और पैरा पोजीशन क्या डेवलप हो रहा है माइनस चार्ज। देखो ना ऑर्थो पर माइनस आया पैरा पर माइनस आया तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां का जुड़ेगा चाहे ऑर्थो में जुड़ेगा चाहे पैरा में जुड़ेगा, इसलिए फिनॉल पॉइंट नंबर थ्री फिनॉल इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग
grow. मतलब जो फिनोल है ना, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को चाहे ऑर्थो पर जोड़ेगा चाहे पेरा पर जोड़ेगा, इसलिए फिनोल हमारा एक तरह का ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। डायरेक्टिंग का मतलब कि डायरेक्टर, ये फिनोल है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो में भेजा और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पेरा में भेजा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के मुंडी पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस के साथ मिलेगा, फिर प्लस माइनस के साथ मिलेगा। तो फिनोल में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है? पांच। फिनोल कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। फिनोल हमारा क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक है हमारा प्लान। ट्रिक हमारा क्या है? प्लान। देखो तो आ रहा है कैमरा में, नहीं आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो देखो ट्रिक हमारा क्या है? प्लान। तो P से हो गया प्लस सेमीफेड, P से क्या हो गया? प्लस सेमीफेड। L से हो गया लोन पेयर, L से लोन पेयर, और A से एक्टिवेटिंग ग्रुप, A से क्या हो गया? एक्टिवेटिंग ग्रुप, और L से हो गया नेगेटिव चार्ज। और याद रखना, जब कभी भी नेगेटिव चार्ज चाहे लोन पेयर हो चाहे मल्टीपल बॉन्ड लिखा हुआ, तीनों हमारा क्या है? सेम चीज। तीनों क्या हमारा? सेम चीज। तो प्लस इफेक्ट होने के लिए कैसा होना चाहिए? लोन पेयर। तो बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ अल्कोहल के पास क्या है? लोन पेयर। तो बेंजीन जो फिनोल हमारा वहां कैसा ग्रुप कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ट्रिक है हमारा प्लान करो ओ प्यारे, मतलब जिसके पास प्लस सेम इफेक्ट होगा, तो प्लस सेम इफेक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। और जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसा ग्रुप कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजिशन पर जोड़ेगा और एक बार पैरा पोजिशन पर। तो इस तरह हम दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। देखिए दोस्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पांच को बनाने के बाद जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को देखते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा बेंजीन का लिंक, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ था मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ट्रिक क्या बताए थे? प्लान, मतलब प्लस सेम इफेक्ट होने के लिए ऑक्सीजन के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और जिसके पास लोन पेयर है वो हमारा कैसा ग्रुप था? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और वही हमारा क्या कहलाता था? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को देते हैं तो ऑर्थो पेरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। तो अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के मुंडी पर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन करता है, एक बार पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करता है। इसलिए फिनोल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन फिनोल के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वह ऑर्थो और पैरा और बचा हुआ जो एक और ऑर्थो है उस पर भी रिएक्शन कर जाता है। मतलब एक 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 समय में तीन बार रिएक्शन कर जाता है। तो फिनोल हमारा दो टाइप का रिएक्शन शो करता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ेगा तो वो कहलाएगा मोनो सबस्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा तो हमारा कहलाएगा डाय सबस्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर जुड़ेगा तो ये कहलाएगा मेरा ट्राय सबस्टिट्यूशन। इस तरह दोस्त फुल एसी में ये सब खत्म।